नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सियासी ड्रामा और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रमन सिंह के बेटे की सरकार कराएगी जांच, भूपेश बघेल ने कहा। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनका आदेश है। छत्तीसगढ़ सरकार पनामा पेपर्स मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सांसद बेटे अभिषेक सिंह की भूमिका की जांच कराएंगी। राज्य का मुख्यमंत्री बनने बाद पहली बार दिल्ली आए भूपेश बघेल ने ये बात कही है। रविवार को बघेल ने पीटीआई भाषा के साथ विशेष बातचीत की थी और कहा कि अभिषेक सिंह पनामा पेपर्स मामले सहित पूर्व की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और इस बारे में बहुत ही जल्द आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की वापसी अभी नहीं होगी, सबसे बातचीत के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बघेल ने कहा कि जब पनामा पेपर्स में नाम होने की वजह से पाकिस्तान में नवाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है तो फिर अभिषेक सिंह की जांच क्यों नहीं होगी। ये पूछे जाने पर अभिषेक सिंह के मामले जांच के लिए किसी समिति या जांच दल का गठन किया जाएगा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में जल्द निर्णय होगा और आप लोगों को सूचित किया जाएगा, यानी कि सब लोगों को बताया जाएगा। बता दें कि पिछले साल बहुचर्चित पनामा पेपर्स में अभिषेक सिंह का नाम आया था। अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए अभिषेक ने उस वक्त कहा था कि उनके तथाकथित विदेशी अकाउंट से संबंधित जो विषय उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से असत्य हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया था। रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव से लोकसभा सांसद है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच के लिए SIT के गठन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक साजिश का खुलासा करना है। उन्होंने कहा कि शुरुआती रूप से दो बातें हैं। जब 23 मई और 24 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा में शामिल नेताओं को सुरक्षा दी गई तब 25 तारीख को सुरक्षा क्यों हटा ली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दूसरा ये कि नक्सली घटना को अंजाम देने के बाद फौरन बाद वहां से निकल जाते हैं, ये पहली घटना है जिसमें पूछा गया है कि नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है। जैसे ही वो लोग मिले उन्होंने गोलाबारी बंद कर दी, इसलिए उनका उद्देश्य केवल इन नेताओं को मारना था। इसका मतलब ये है कि ये एक साजिश थी। बघेल ने यह भी कहा कि फिलहाल बस्तर क्षेत्र से सुरक्षा बलों की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यदि यहीं की है तो वो बस्तर में है और इसके बावजूद नक्सली समस्या खत्म नहीं हुई है। इसे निपटने का दूसरा रास्ता सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक है और इसके लिए प्रभावित से मतलब जितने भी प्रभावित क्षेत्र है उनसे बात की जानी चाहिए। फिलहाल सुरक्षा बलों का हटाना नुकसानदायक हो सकता है। मंत्रिमंडल के चयन के सवाल पर CM बघेल ने ये चीज कही कि सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेता जीत कर आए हैं लेकिन वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री समेत 13 सदस्यों की बाध्यता है, इनमें से 3 की नियुक्ति हो गई है, अब जो 10 है वो लेना बाकी है। जो नहीं बन पाएंगे दूसरे क्षेत्रों में उनका अनुभव का लाभ लिया जाएगा, उन्हें संगठन की और निगम मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये सब चल रहा है और इतना बड़ा आरोप लगाया है बघेल ने रमन सिंह के बेटे अभिषेक पर, तो देखते हैं जो निर्देश दिए हैं मतलब छत्तीसगढ़ के CM ने उसका क्या, उसके नतीजे निकाले जाते हैं और आगे जो कार्रवाई होगी वो क्या रुख लेती है। तो हम जल्दी लौटेंगे राजनीति से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें और अपनी जो जितनी भी हमारी वीडियोस हैं यानी कि जो हमारे शोज हैं, प्रोग्राम्स हैं, आप YouTube चैनल पर भी वहां पर देख सकते हैं। धन्यवाद।